एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आज मैं एक नए जगह पे एक्सप्लोर करने वाली हूँ, रेल म्यूजियम, और ये है चाणक्यपुरी में। गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलो, अब हम मिलते हैं आपसे सीधे रेल म्यूजियम। पहुंच गई हूँ और मेट्रो से बाई वॉक आने में बहुत टाइम लग गया, 20-30 मिनट्स लग गए मुझे। मैं आ गई रेल म्यूजियम, मेरे पीछे ही रेल म्यूजियम है, आप देख सकते हो। अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं टिकट लेती हूँ, फिर आपसे अंदर मिलती हूँ। मैं रेल म्यूजियम में हूँ अभी, बहुत अभी अंदर इस साइड ट्रेन चल रही है, जॉय ट्रेन, आई डोंट नो कौन सा ट्रेन है, बट बहुत ही एक्साइटेड हूँ। थैंक गॉड यहाँ पहुँच गई। हो अभी देखती हूँ कहाँ जाता है, पहले म्यूजियम जाते हैं या फिर जॉय या टॉय ट्रेन। लेट्स गो। अब मैं जाऊंगी जॉय ट्रेन पे, तो मज़ा आने वाला है। जॉय ट्रेन बिल्कुल शायद बच्चों की तरह, अभी मुझे पता नहीं लगा जॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन कौन सा है, तो अभी पता करते हैं जॉय ट्रेन कौन है और टॉय ट्रेन कौन है। तो मैं गाइस ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जॉय ट्रेन में। यार सच में बचपन की याद दिला दी बिल्कुल। क्या होता था ना जब छोटे थे ना, तो क्या करते ट्रेन को देख कर ना टाटा बाय बाय करते थे, मतलब यहाँ का ना बिल्कुल बचपन की यादें ऐसा लगता जैसे, मतलब हाँ यार फिर तो मतलब हाँ वही वाली फीलिंग आ जाती है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन है, जैसे जब पुराने टाइम पे वो सारे ट्रेन चलते थे तो बिल्कुल रॉयल वाला फील आता है देखकर। उस टाइम भाई कहते कहते ट्रेन होते थे, तो ये उस टाइम की है, बट अभी ये सारे म्यूजियम में है, तो बट बहुत शानदार है, बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग यार। गाइस मतलब एक बार तो आना बनता है यहाँ पर, मतलब आकर देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि यार सच में ना हम ना रेलवे स्टेशन आ गए, बिल्कुल मतलब स्टेशन पर आ गए, ऐसा फीलिंग आ रहा है कहीं ट्रेन ना छूट जाए, ऐसी डर भी है था ये, तो सच में वंडरफुल। और बच्चों की आवाज़, बच्चों की छुक 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 बच्चे यहाँ पर आकर छुक 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 करते हैं, और ये सब देख के याद आता है यार हम भी ऐसे ही करते थे, मज़ा करते थे, फिर क्या हो जाता है पता नहीं गाइस। बट यहाँ का जो व्यू है इतना मस्त है, इतना अच्छा है, मतलब इन्होंने कितने अच्छे से सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने केयर करा है सच में, मतलब पुरानी चीज़ें ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, बिल्कुल वही है सच में। ये सामने जो आपको भी दिख रहा है यहाँ पर एक्चुअली जो है ये फाउंटेन है, और इसके फाउंटेन के सामने जो है वो है कैफेटेरिया। एक्चुअली अभी कैफेटेरिया बंद है गाइस। बहुत
बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरी और चारों ओर। उसने म्यूज़ियम के पूरे रेल में उसने पूरा घुमाया। ये देखो कैफेटेरिया है जहाँ पर मैं हूँ अभी, इनडायरेक्टली मैं कैफेटेरिया के पास आ गई हूँ। ये देखो मस्त कैफेटेरिया है, ये देखो। तो गाइस अभी अंदर और भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं तो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो। इस ट्रेन पे चढ़ना मतलब 500 रुपये देना जुर्माना। वैसे मैं इस पे चढ़ने का कोई इरादा लेकर नहीं आई हूँ, मैं नहीं चढ़ने वाली हूँ इस पर अभी देखते हैं आगे क्या क्या है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बट ऐसे कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर हाँ कुछ लोग आए हुए हैं, बट अगर आप हो दिल्ली में तो आप आ सकते हो। ये देखो मेरा मास्क नीचे जा रहा है खुद ब खुद, सारी ट्रेन ही ट्रेन लगी हुई है, बस चढ़ना मना है क्योंकि जुर्माना जो लगेगा 500 रुपये तो लेकर आई हूँ और 500 रुपये का जुर्माना है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बस मैं आपको दूर से ही दिखा सकती हूँ, अगर आप हो तो आओ, अच्छी जगह है, मज़ा आएगा। जॉय ट्रेन टॉय ट्रेन के टिकट्स भी मैं आपको बता दूँगी। एक्चुअली मेरे पास चिप्स और लेस के पैकेट के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़ी अपने बैग में, बट अब हो चुका है सब कुछ। और टिकट मुझे 50 रुपीज़ लगी, और अगर आप वीकडे में आते हो तो 50, वीकेंड में आते हो तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखो भीड़ ही भीड़, इसके अंदर कुछ बकरियाँ हैं कुछ भेड़ है। मुझे ऐसा लगा कि शायद सच में यहाँ पर कुछ है। मैं आपको यहाँ बता दूँ यहाँ पर क्या है कि ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये देख रहे हो। अगर ट्रेन इस वाले से आ रही है तो हम वो उस ट्रैक को यहाँ लाकर अटैच कर सकते हैं। एक मॉडल है छोटा सा, यहाँ से कहाँ तक जाता है वो देखते हैं। ट्रेन का सारा जो कैसे कैसे रूट्स है, सारे रूट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं एक छोटे से मॉडल में। तो अभी एक्चुअली वो थोड़ा दूर है तो मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकती, बट आप देख सकते हो जो भी दिख रहे हैं। तो अब नेशनल रेल म्यूज़ियम चलते हैं। एक्चुअली जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आपको इंटायर हिस्ट्री ऑफ रेलवे का सारा पता लग जाता है, कैसे था कब क्या हुआ। यहाँ पर आपको आज़ादी से लेकर आज तक का सफ़र जो रेल का रहा है इंडियन रेलवे का, वो सब कुछ आपको पता लगेगा। यहाँ पर सारी इंजन, रेलवे ट्रैक्स कैसे कैसे वहाँ मॉडिफाई कर कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आप जाते आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मतलब एक अच्छा, अगर आपको नॉलेज लेना है तो इस म्यूज़ियम में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं जिससे आप सच में बहुत कुछ जान सकते हो। कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया रेलवे ट्रैक वगैरह के लिए, कैसे रेल आई, वो सारे म्यूज़ियम में सारे चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक है। कैसे ट्रैक बने, सारी चीज़ें वहाँ पे मशीन वगैरह सारी चीज़ें रखी है म्यूज़ियम में। और जॉय ट्रेन पे भी इंजॉय किया, टॉय ट्रेन भी आपने देखा। गाइस बच्चे हैं यहाँ पर, मज़ा आ रहा है, मैं भी एक छोटी बच्ची बन गई यहाँ पर इनके साथ साथ।
ये उठ गए शर्मा के। पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो, एक्सप्लोरिंग वीडियो मैं आपको दिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।